शाहजहांपुर के जलालाबाद तहसील में आज सुबह होते ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। यहां मंदिर कमेटी पर भ्रष्टाचारों का आरोप लगाते हुए दो युवक रिलायंस टावर पर चढ़ गए। मंदिर कमेटी और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग करने लगे। इसके बाद अभी दो महिलाएं प्रधानमंत्री आवास न मिलने से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। उनका आरोप है कि इस समय वो काशीराम आवास में रह रही हैं और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और अन्य लोग उनका सामान वहां से फेंकने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बेघर हैं और जब तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता तो वो पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। जलालाबाद में आदिशक्ति दुर्गा मंदिर कमेटी पर भ्रष्टाचारों के आरोप लगाते हुए नितेश के साथ एक और युवक रिलायंस के टावर पर चढ़ गए और मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग करने लगा। उनका कहना है कि मंदिर कमेटी ने दुकानें उठाकर किराया और उसमें मिलने वाली पगड़ी में भारी गोलमाल किया है। उसका भी पैसा जो लोग खा रहे हैं जब से। अच्छा हाँ, उनकी भी मृत्यु हो चुकी जब तो उसका भी उन लोगों ने चल लिया कि ये मृत्यु हो रहने के बाद भी किराया लेते रहे। जिसकी मृत्यु हो गई तब भी किराया लेते। 2,80,00,000 रुपये का घोटाला हुआ तो बैंक में केवल 20,000 रुपये जमा है जब से कोई जमा नहीं पैसा हुआ। तो क्या उसकी जाँच की मांग? मंदिर खाली कराया जाए, दुकानें खाली कराया जाए। तो दुकान का किराया जो 1,000 रुपये बता रहे हैं, 6,000 रुपये में दुकान देती है, जो कहते 1,000 रुपये दुकान देते हैं 1,000 रुपये। अच्छा, आपकी जांच किसके पास है कि कहाँ जांच आई हुई है? जांच हमारी भाई मालूम है भाई, तुम्हारे परचम सब लिखा हमने, पर्चा सब भेजा। टावर किस लिए चढ़े थे? टावर पर मांग के लिए चढ़े थे कि दुकानें खाली कराए जाए, मंदिर का पैसा है जितना सब जपत कर लिया जाता है। कौन लोग जपत करते हैं? है छत कुमार है, राम अवतार थे और लोग भी उनके हैं। जो मृत्यु जिसकी हो चुकी है उनके नाम भी पैसा घोटाला करते हैं जो लोग टावर पे मंदिर के लिए चढ़े थे। क्या बात है? मंदिर का जो पैसा लोगों ने खाया है। किसने खाया है? जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका भी पैसा जो लोग खा रहे हैं जब से। अच्छा हाँ, उनकी भी मृत्यु हो चुकी जब तो उसका भी उन लोगों ने चल लिया कि ये मृत्यु हो रहने के बाद भी किराया लेते रहे। जिसकी मृत्यु हो गई तब भी किराया लेते। 2,80,00,000 रुपये का घोटाला हुआ तो बैंक में केवल 20,000 रुपये 10,000 रुपये जमा है जब से कोई जमा नहीं पैसा हुआ। तो क्या उसकी जाँच की मांग? दुकानें खाली कराए जाए। तो दुकान का किराया जो 1,000 रुपये बता रहे हैं, 6,000 रुपये में दुकान देती है, जो कहते 1,000 रुपये दुकान देते हैं 1,000 रुपये। जाँच हमारी भाई। टावर किस लिए चढ़े थे? टावर पे मांग के लिए चढ़े थे कि दुकानें खाली कराए जाए, मंदिर का पैसा है जितना सब जपत कर लिया जाता है। कौन लोग जपत करते हैं? है सत कुमार है, राम अवतार थे और लोग भी उनके हैं। जो मृत्यु जिसकी हो चुकी है उनके नाम भी पैसा घोटाला करते हैं।